आज मैं आपको मैगी और ब्रेड रोल बनाना बताऊंगी, जो बच्चों को बहुत पसंद है। खास करके मेरी सारी रेसिपी बच्चों के लिए ही होती है। मैंने ऑयल डाला हुआ है, इसमें ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी। मेरी हर रेसिपी में हींग ज़रूर रहती है, क्योंकि इससे जो है पेट के लिए अच्छा भी रहता है और वैसे भी फ़ायदा करता है। अब हमारा हींग गर्म हो गया है, देख सकते हैं किस तरह से इसमें बुलबुले छूट रहे हैं। तो अब इसमें हम जो है प्याज डाल देंगे। इसकी सामग्री भी बता देती हूँ। एक कटी प्याज, आप जितना जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मैं थोड़ा ही बनाऊंगी। इसलिए एक कटी प्याज, आधी शिमला मिर्च कटी हुई, एक टमाटर कटा हुआ, दो हरी मिर्च। इसको मैं जो हूँ पहले प्याज को उसमें डाल दूँगी। प्याज हमारी जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें और सब्जियाँ ऐड करेंगे। हमारी प्याज जो हो गई है एकदम ब्राउन भी नहीं करना है, जो सब्जी किए करते हैं थोड़ा क्रश रहती है तो अच्छी लगती है। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और साथ में ही टमाटर और ग्रीन चिली डाल देंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें। इसमें जो है हम सिर्फ धनिया पाउडर हाफ टी स्पून डालेंगे और उसके बाद हल्का सा हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून ही काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे। एक सेकंड चलाने के बाद थोड़ा सा हमारे मसाले जो है हो गए हैं। तो अब इसमें हम जो मैगी मसाला आता है उसको डालेंगे। अगर आप मैगी के पैकेट में है वो मसाला भी डाल सकते हैं और मैजिक मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, तो उसको हम डालेंगे। दो पैकेट हमारी, ये दो पैकेट मैगी जो छोटी वाली आती है उसका है ये। तो अच्छे से हमारी सब्जियाँ और मसाले सब हो गए हैं, इसमें हम जो है मैगी ऐड कर देंगे। मैगी को मैंने थोड़ा तोड़ लिया था उसको तो रोल में डालने के लिए, उसके बाद लंबी लंबी रहती है तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं इसमें सारी मैगी को डाल दूँगी। ये दो छोटी पैकेट हमारी मैगी थी, तो इसमें हम जो है एक कप पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको चला कर, बहुत ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालेंगे, एकदम गीली हो जाती है ज़्यादा पानी डालने पर। अगर आपको पानी कम ज़्यादा लगे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिससे हमारी मैगी पक जाए। अब इसको हम ढक कर 10 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद फिर देख सकते हैं इस तरह से तैयार हो गई है, एकदम गली भी नहीं है। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम बोलिए आपको बताएंगे किस तरह से बनाएंगे। और उसको हम पानी में डिप करके दोनों साइड से, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोएंगे, थोड़ा सा ही इससे पानी इसके अंदर सोख जाए बस। उसके बाद जो है हम इसको इस तरह से हाथ से अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे। इस तरह से पानी निकालने के बाद अच्छे से इसको दबा के पानी इसका निकाल देंगे पूरा। उसके बाद इसमें हम अपना मैगी जो बनाया था उसको डाल देंगे। आप चाहें तो ये किनारे जो है ब्रेड का निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल रही हूँ। उसके बाद इसको इस तरह से जैसे हम लड्डू बनाते हैं उस तरह से इसको करेंगे, इस तरह से पूरा। अब हमारा ऑयल जो है देख सकते हैं गर्म हो गया है, इसमें हमने जो ये लड्डू की तरह देख रहे हैं गोल गोल बनाए, एक साइड में हो गया है तो हम इसको इस तरह पलट लेंगे। इसी तरह सारी साइड में हम पलट पलट के इसको देख सकते हैं साइड में बहुत हमारा अच्छे से हो गया। और दूसरी साइड में इसमें चारों तरफ इसका इस तरह से ब्राउन हो जाएगा, तब तक इसको फ्राई करेंगे। ब्राउन हो गया है, इसी तरह हम सारे बना के तल लेंगे। देख सकते हैं हमारा रोल तैयार है, इसको हम सॉस या किसी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैं इसको आपको एक फोड़ के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये हमारी मैगी उसमें किस तरह से भरी हुई है, और इसको खाइए और लाइक कीजिए, साथ शेयर कीजिए जिससे और भी आगे वीडियो लोग देख सकें। और आपको मेरा चैनल पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए और इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।